यू आर डेफिनेटली ऑन द रॉन्ग पाथ। जब लाइफ बहुत आसान और बहुत ही प्यारी दिख जाए, समझ जाओ लाइफ गलत चल रही है, लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं है। नहीं, प्रेशर और टेंशन की बात नहीं, पर हर्डल्स होने चाहिए, जूता खिसना चाहिए, ठोकरें लगनी चाहिए। जैस मान लो अब इस बैच के अंदर एक सैंपल बच्चा मैंने उठाया, टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, बैकलॉग नहीं है, वो उसका अचीवमेंट है कि उसकी कोई बैकलॉग नहीं है, सारी डीपीपी सॉल्व करता है, क्लास में सब समझ में आ रहा है। अब ये बच्चा है जो आईआईटी के अंदर 3-4 हजार रैंक ले आएगा, जो इतना शेड्यूल फॉलो कर रहा है 3-4 हजार रैंक मार देगा। अब अगर ये इस 3-4 हजार रैंक में सेटिस्फाइड हो गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको लग रहा रास्ते में कोई पत्थर ही नहीं है, मेरी डीपीपी बन गई, मेरी क्लास हो गया, मेरे टेस्ट हो गया, मेरे रास्ते में कोई हर्डल नहीं है। तो हर्डल है यार, हर्डल ये है कि तुम अभी 3-4 हजार रैंक पे हो, अभी भी तुमको टेंशन होगी आईआईटी बॉम्बे पहुंचने में, तुम पहुंच नहीं पाओगे, अभी भी तुम आईआईटी दिल्ली पहुंच नहीं पाओगे। कल हम लोग का सेशन हो रहा था विद दोस टॉप रैंकर्स, जो प्रयास के लास्ट डे टॉप परफॉर्मर थे, वो वीडियो भी बहुत जल्द बाहर आएगा, आप सब देखेंगे, डेफिनेटली देखना भी चाहिए। तो उनसे मैंने एक बात पूछी, चलो आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है, आपसे भी मैं एक बात पूछता हूँ, कि जब गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन को लेके गए और बोले कि चिड़िया की आंख पे निशान लगाओ, तो वाय चिड़िया की आंख? निशाना चेक करने के लिए कि सर आंख छोटी सी होती है, वहां मार दिया तो निशाना टेस्ट हो जाएगा सर अर्जुन का, चिड़िया की आंख में मार, पांडवों से बोला था चिड़िया की आंख में, पर यार जितनी छोटी आंख होती है उतनी छोटी चोंच होती है, बोल सकते थे चिड़िया की चोंच पे निशाना लगा दे अर्जुन, चिड़िया के पर पे निशाना लगा दे, पर भी उतना ही बड़ा है, पेड़ के ऊपर किसी पत्ते को चिन्हित कर देते, बोलते इस पत्ते पे निशाना लगा दे, वाय चिड़िया की आंख। मछली की आंख तो बेटा बाद में हुआ था, जब मैरिज सेरेमनी हो रही थी, वो तो बाद में था जब मैरिज सेरेमनी थी, पहले चिड़िया की आंख था, फिर मछली की आंख, वही तो आंख का इंपॉर्टेंस है, यही तो कहानी का थीम, पहले चिड़िया की आंख का खेल हुआ, इसके बाद गए इन लोग वो मैरिज सेरेमनी में, जहां पे वो चल रहा था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था कि भाई साहब मैरिज सेरेमनी में कौन जीतेगा, वहां ये था वो पानी में देख के मछली की आंख पे यूं निशान, वाई मछली की आंख, मछली की टेल भी तो छोटी है, उस पर मार दे भाई, है ना, बाकी मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, तो और भी मछली के पार्ट हैं जो छोटे होते हैं, उस पे भी आप मार सकते हैं, वाई आंख। फॉर फोकस, दुश्मन की आंख फोड़ दो, दुश्मन किसी काम का नहीं रहा, आप चिड़िया की पूंछ में मारोगे चिड़िया जिंदा है, डिसीजन ले सकता है, दुश्मन है मान लो सामने, चिड़िया को हटाते हैं, एक्चुअली पूरी कहानी किसके लिए होती है, दुश्मनों के लिए ट्रेन किया जा रहा है आपको, और वाकई में थोड़ी ना अर्जुन को चिड़िया मारनी जीवन भर, इसलिए थोड़ी ना वो अर्जुन है, ग्रेट अर्जुन क्यों चिड़िया मारेगा भाई, वो अर्जुन किस लिए है, उसे दुश्मनों का सामना करना। मान लो आपने दुश्मन की उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, उसकी आंख चल रही है, वो डिसीजन ले सकता है, वो चीजें देख सकता है, समझ सकता है, आपने उसकी नाक काट दी, उसको दिख रहा है अभी भी, आपने उसकी बोलती बंद कर दी, अभी भी वो आप पे हमला कर सकता है, आपने उसके कान काट दिया, उसको सही पड़ रहा, उसको दिखाई पड़ रहा है आप किधर मूव कर रहे हो, आप हमला कर सकता है, दुश्मन की आंख फोड़ दो, खेल खत्म। ये 3-4 हजार रैंक आईआईटी में एक्सपेक्टेशन यार, 3-4 हजार रैंक तो आई जाएगी यार, ठीक चल रही है तैयारी यार, सही है, लेक्चर हो गए, डीपीपी कर लिया यार, 2-3 सवाल डीपीपी के फंस जाते हैं, और टेस्ट भी दे ही देता हूं, कभी एक आठ टेस्ट कभी छूटता है तो छूटता है, और रिवीजन कभी कदार हो जाता है। ये 3-4 हजार रैंक, दुश्मन के हाथ काट रहे हैं, दुश्मन के पैर काट रहे हैं, आंख पे निशाना नहीं है, तो अगर लग रहा है लाइफ स्मूथ चल रही है तो गलत चल रही है, आंख पे निशाना। अगर आप यहां हो तो यहां आओ, यहां हो तो यहां जाओ, और यहां हो तो यहां जाओ, बात समझ रहे? द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग इन योर लाइफ। जिस दिन आपने संतुष्ट हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, आपकी सही चल रही है तैयारी यार, सही है जीवन, 8 घंटा पढ़ता हूं मैं, क्यों नहीं 12 पढ़ रहा हूं, 12 पढ़ता हूं, क्यों नहीं 16 पढ़ रहा हूं, आंख पे निशाना लगाना है अपने को, थोड़ा बहुत तीन इधर उधर होगा भी तो काम बन जाएगा, यहाँ यहाँ लग जाएगा, काम बन जाएगा, आईआईटी बॉम्बे नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं खड़गपुर तक पहुंच जाएंगे। देखो ये बात तो साफ है कि इस बैच में आने के बाद अपन ये नहीं बोल सकते कि आईआईटी डजंट मैटर टू मी, ये बात इस बैच से बाहर सही है आने से पहले, और इस बैच से जाने के बाद भी सही है कल को जिंदगी में, पर आज इस बैच के अंदर टारगेट चिड़िया की आंख और मछली की आंख पे होगा, अगले बचे हुए 8 महीने 10 महीने और कोई बात करना फिजूल है। सर आईआईटी नहीं तो क्या हुआ, जीवन में तो हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, सिर्फ आईआईटी थोड़ी ना जीवन में जंग जीतते हैं, ये करते हैं वो करते हैं।